तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरजी सुरोज स्वामी में। और आज हम बात करेंगे कि मैं जयपुर क्यों आया हूँ। मैं जयपुर अपने बहन टीला से मिलने और थोड़ा सा काम है वो करने आया हूँ। तो आप ये मेरा स्टाइल देख के समझ गए होंगे कि कौन आने वाला है, ऐसे ऐसे करके कौन बोलता है, जानते हैं ना श्यामा। वो बोलता है तो उसने ये सब स्टाइल किया था भाई के चैनल पे, तो वो मुझे याद है। ठीक है, और आज है राखी का दूसरा दिन यानी कि 4 अगस्त। और आज वो किसी काम से भी आया और उसका मतलब मन था मेरे पास आने का, तो आ गया। वो कहते हैं भाई बहन का प्यार सबसे ऊपर है, तो वो रह नहीं पाया और मेरे पास आ रहा है अभी, तो और मैं भी नहीं रह पाई, इसलिए मैं उसके लिए फटाफट खाना बना रही हूँ। और जो मैंने कल राखी बनाई थी आखिरकार उसे हाथ मिल ही गया कि किसी की कलाई पे वो सजेगी, और वो हाथ किसी और का नहीं, मेरे छोटे से चुन्नू मुन्नू श्यामू का है। और कुछ नहीं, देख लेना आप आगे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम बीर स्वामी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे सरोज स्वामी चैनल पे। और आज मैं आ चुका हूँ जयपुर अपनी बहन से मिलने और राखी बंधवाने। कल थी रक्षाबंधन लेकिन मैं कल नहीं आ पाया था जयपुर, लेकिन मैं एक दिन लेट रक्षाबंधन के दूसरे दिन आया, देर आई दुरुस्त आई, लेकिन मैं अभी सुबह सुबह पहुँचे। हम रात को बस थी, सुबह पहुँचे और सुबह बस से उतरते ही मैं यहाँ पर रुका अंकित मेरा दोस्त है उसके यहाँ, और नहाया धोया। और अभी मैं सुबह दोपहर हो चुके हैं, सुबह तो क्या है ऊपर सूरज आ चुका है, दोपहर को अभी मैं जा रहा हूँ अपने बहन के यहाँ। ये है बाइक अंकित की, इसी बाइक पे जा रहा हूँ और मास्क और हेलमेट भी ले रखा है। तो चलो चलते हैं सरोज के यहाँ। तो आज जा रहे हैं हम सरोज स्वामी के यहाँ और हम बनवाने वाले हैं राखी, तो चलो चलते हैं। राखी पे कोई कुछ मिठाई बनाता है कोई कुछ, लेकिन मुझे इतनी मिठाइयाँ वगैरह नहीं बनानी आती है जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं हलवा ही बना लूँगी, सबसे बेस्ट हलवा है। क्योंकि अगर हम घर पे कुछ मिठाई बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बाहर से कुछ लेके आ रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि बाहर इतनी शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती है। बाहर वाले से तो मेरा हलवा लाख गुना अच्छा है। अभी बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, हलवा बना लिया, सब्ज़ी काट ली। सरोज स्वामी वीडियो बना दे ठड़ाम। दोस्तों घूम फिर के 10 बार मैप देख के ये बाइक लेके हम पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर, जो कि ऊपर ऊपर खड़ी हो देखो। चलो चलते हैं, टॉप फ्लोर पे जाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए। ओह माय गॉड, हाय हाय, तो कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? हम भी देख लो पसीने में भरे हुए, पसीना तो हमें भी आ रखा है। इसको सैनिटाइज किए बगैर अंदर नहीं आने। बाइक पे आया हूँ, किसी का हाथ भी नहीं लगाया आया हूँ। 15 किलोमीटर से आया हूँ इससे मिलने के लिए, हालत खराब। 15 किलोमीटर में वैसे भी 250 वहाँ से और फिर यहाँ से। पानी पी सी? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपनी बहन के लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट, वो है ये कंबल। क्योंकि तो जयपुर में इसने वीडियो डाला था कि बहुत बारिश होती है, सर्दी पड़ती है, तो सर्दी पड़ती है तो ये ओढ़ लो, ये काम ये आएगा। ये पैसे से नहीं लेके आए, ये मेरी पहले की पुरानी थी, घरे पे पड़ी हुई थी, मतलब गिफ्ट है जो इसके काम आएगा। कितने सस्ते में गिफ्ट आ रहा है, मेरी कंबल मुझे लाके दे रहा है, काम तो आ रहा है। सही बात, मन गिफ्ट चाहते हो? ओ गिफ्ट दे चुके पिछली बार आए तो। हां गिफ्ट दिखाओ ना। ए तो ऐसी है, स्क्रीन टूटी हुई है, तोड़ दी इसने। मैं क्या करूं, मैंने नहीं तोड़ी, 4 साल यूज करने के बाद, 2 साल में इसका कचरा कर दिया और फिर बोलता है कि गिफ्ट दी है, ऐसा कचरा कर। गिफ्ट देना तो ये दे, फोन खा लियो। मोटी
क्यों कान खराब है किसा के? अच्छा है, बढ़िया है। जो मैंने इसको सिखाया था उसी हिसाब से बना है पूरा, एकदम वैसे का वैसा ही, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट। मैंने इनको इसको बताया था कि कैसे बनाते हैं हलवा, तो उसी ने इसने उसी तरह से बनाया। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं फाड़ रही हूँ डेरी मिल्क। ए पानी कौन सा ले? बिना पानी तू कूलर बाल ना ली देर की? और देख अभी ओ मैं अब करे है, मैं करे को नहीं अभी, मतलब पहला मैं ऑफ कर देता तेरा जला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको चॉकलेट भी नहीं खोलना आता है, या फिर शायद इसको किसी ने दी नहीं होगी। तो चॉकलेट को खोलने के लिए हम लोग पहले वैसे करते हैं, लेकिन इसने सही तरीके से पहले से नहीं खोली। कैसे करते हैं इसको? ऐसे खोलते, लेकिन अभी तो तुम पूरा इसका खेल खत्म कर चुकी हो। तो एक साइड से किया है, दूसरी साइड से कर ले तू। अभी मम्मी यप ताकि बाल खोए करे भाई। ये तो पिघल गई है, जल्दी कर ले, घर में मामला पिघल जाना पूरा। तो आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन नहीं है, जो कि कल थी, जो कि हमारे लिए आज ही है, क्योंकि मैं आज ही यहाँ पे आया। तो जो कल रक्षाबंधन थी वो हमने कल नहीं मनाई, क्योंकि कल मैं बहन के सुमा के पास भी नहीं जा पाया, सरोज के पास भी नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं सरोज के पास आया हूँ पूरे 300 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, और यहाँ पे जयपुर में आने के बाद भी बाइक से ट्रेवल करने के बाद, जो कि इतना घूम फिर के हम आ चुके हैं। तो अब हम अंततः है राखी बांधने ही वाले हैं। तो ये राखी जो देखने वाले हम, ये उसने खुद ने अपने हाथों से बनाई है। ये आप देख चुके हैं पहले। जैसा आप देख सकते हैं मुझे गले में हाथ में कभी कुछ नहीं बांधे रखता हूँ, तो मुझे कुछ आता नहीं। अब आया गिफ्ट देने की बारी, तो मैं आज मेरी बहन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा कहाँ है? दो सेकंड। ये रहा स्पेशल गिफ्ट, गेस करो इसमें क्या होगा। इसमें है पपीता। तो देखो जो ये खुद खाएगा अभी। देखो गिफ्ट ऐसा दो जो उसके काम भी है, सेहत भी अच्छी रहे और सब कुछ अच्छा हो। काम तो अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी आ, ब्रांडेड कपड़े कोई काम के नहीं होते, पैसे लगते हैं, एक दिन दिखावा होता है, दिखावा करने से शरीर को कोई फायदा नहीं होता। अच्छे कपड़े भी तो होते हैं, अच्छे कपड़े दिखावे के लिए होते हैं। ये खाएंगे हम लोग तंदुरुस्त बनेंगे। तो चलिए ये गिफ्ट। थैंक यू बुढ़ा दी, कर दिया आपको काम। तुम तो नाक पर चॉकलेट, एक लो एक लो खा ली। तो रुपए के नाम पे मैं ये और देने वाला हूँ। चलो वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं, 100 रुपए। हाँ, और असली गिफ्ट तो यही है, हम लोग अभी इसको खाने वाले हैं। तो चलिए लाइए चाकू, हम इसका कट 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 करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं छोड़ेंगे, हैप्पी रक्षाबंधन। तो
जैसा कि देख सकते हैं हमने दूसरी फाड़ी शुरू कर दिया, जो कि सरो स्वामी अभी भी काट रही है सीधे। देखते हैं कौन जीता है, ये छीटेगी काटेगी बताऊंगा। आराम आराम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैंने गिफ्ट दिया था पपीता मेरी बहन को, और ये पूरा खा चुकी है अकेली। मतलब कि आप देख सकते हैं इसको पपीता खाने की कैपेसिटी, मतलब गिफ्ट का इतना सम्मान। ये देखो पूरे छिलके छिलके बचे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी फाड़ी बची है और पूरा पपीता ये खा चुकी है। इतना सा तू खा ले, बस इतना सा मैं खा रहा हूँ, बचा हुआ बाकी सारा इसी ने खाया। अभी आपको लगता है मैं अकेले खाऊंगी, इसे नहीं दूंगी। बहुत प्यारा गिफ्ट मिला, मीठा मीठा गिफ्ट। देखिए गिफ्ट हो तो ऐसा खाने के बाद खुशी मिले। कपड़े पहनने क्या मतलब, लोगों को कपड़े अच्छे दिखाएंगे, अच्छा खाओ पियो शरीर को तंदुरुस्त बताओ, वो गिफ्ट होता है अच्छा गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट दिया मैंने इसको, आप बताना कमेंट सेक्शन में मैंने इसको कैसा गिफ्ट दिया। और ये कूलर बहुत ही शॉर्ट लगा इस वक्त, तो इसमें नॉइज आई तो हम लोग ये वीडियो नहीं रखने वाले हैं। ऐसे भी रखना नहीं रखना मेरे हाथ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जब ये वीडियो बना रहे थे तो कूलर चालू था, अभी हमने कूलर बंद कर दिया। मैं ये आपको बात बता रहा था कि गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपके शरीर को कुछ हेल्थी चीजें मिले, आपको किसी न किसी प्रकार की मदद मिले, या पढ़ाई की चीज दो या फिर ऐसी चीज दे दो, खाने की चीज दो। गिफ्ट अगर आप ऐसे दे देते हो जैसे कि कैसे कि जैसे मतलब चूड़ी दे दी, चूड़ी ये क्या है, मतलब ये क्या है, कितनी सुंदर लग रही है, जब शादी करेगा तब नहीं लेके आएगा तो पूछ लूंगी तुझसे। नहीं नहीं मैं किसी के लिए नहीं ले रहा, मैं बस बुक्स चाहिए। ये जैसे जैसे बदलेगा सब वीडियो दिखाऊंगी मैं, तब ये कपड़े भी लेके आएगा, चूड़ी भी, बिंदी, सिंदूर सब लेके आएगा। मैं कुछ नहीं लेना, चल चल चलता हूँ, दुआ में याद रखना। हाथ धोने, हाथ धोने क्यों, ए वो चली तो इतनी बात बताओ। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अभी आप थोड़े नजदीक आइए, अभी इसको नहीं दिखाई दे रही मेरी आंखें इतनी तेज है बारीकी में कि मुझे दिखाई दे रही है। इसकी ठुड्डी के नीचे आप गौर से देखिए, जो इसकी लिपस्टिक है ना वो लगी हुई है यहाँ पे, जुट्टा। हाँ बट अब इसने रगड़ के हटा लिया, नहीं है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो वक्त हो गया जाने का, अब तो जाना होगा, वापस जल्दी आना होगा। हाँ आएंगे जल्दी फिर से, चले बाय सची बाय। आओ ठीक है मैं फोन करूँ जाकर।